वीडियो में काफ़ी सारे तारीफ भी की, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा वजाहत उन्होंने मांगी और वो जानना चाहते हैं। दरअसल जो सरस्वती नदी के किनारे जो हमने ये शहर की हमने आपको पिछली दफ़ा वीडियो दिखाई थी, ये उसके एक दूसरी साइड से मैं आया हूँ ताकि मैं ठीक से समझा सकूँ। सरस्वती नदी ज़ाहिर है वो एक जगह तो नहीं है, उसकी लोकेशन वो ज़ाहिर है जब गवा थी तो कश्मीर से शुरू होकर समंदर तक उसका वो दरिया सिंध के साथ पैरेलल चलती रही। इस वक्त उसकी जो लोकेशन है वो मैं ये सड़क जाती है, बल्कि ये सड़क मीरपुर खास से आ रही है, फिर साइड से होके एक लोकेशन से अलग होके फिर ये गांव की सड़क है छोटी सी, तो यहाँ पर आगे यहाँ से कोई आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर दूर है जहाँ मैं मौजूद हूँ। और ये शहर ये मलबा आप देख रहे हैं, शहर का काफ़ी बड़ा, इसी तरह आप ये देख सकते हैं यहाँ की फैला हुआ लंबे बड़े लंबे चौड़े एरिया में। तो ये मैं चढ़ने लगा हूँ इसकी मलबे के ऊपर, आप ईंटें भी देख रहे हैं और ये काफ़ी आसार कदीमा फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी एरिया में फैली हुई, काफ़ी एरिया में ऊपर चढ़ गया है बहुत दूर दूर तक इसकी फैली हुई है। और ये यहाँ पर खेत है जी, मैं इस तबाहशुदा शहर के मलबे पे इस वक्त ये काफ़ी बुलंदी पर नीचे देख सकते हैं, खेत है काफ़ी बुलंदी पर, शायद नीचे जो हमारी गाड़ी खड़ी है वो कोई 10-12 बर्तन आपको मिलेंगे। किलोमीटर दूर सिंधड़ी एयरबेस के पीछे एक सड़क है, और ये देखिए जी ज़माने के टूटे हुए बर्तन। वहाँ पर कोई खुदाई नहीं हुई, कोई रिसर्च नहीं हुई, पता नहीं शहर का क्या नाम था, कब आबाद हुआ, कब तबाह हुआ, कौन लोग रहते थे, क्या उनका मजहब था, इस वक्त तक नहीं चला क्योंकि तहकीक नहीं हुई। बर्तनों के बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। जब आसार कदीमा की जब तहकीकात होती है तो ज़ाहिर है अगर तो शहर के लिए आप समझ कह सकते हैं कि मैं इस वक्त छत पर मौजूद ज़ाहिर है इसकी खुदाई इसकी जो होगी तहकीक होगी, उसके बाद जो इसके अंदर से क्या निकलता है, क्या मालूमात वहाँ से कौन सी अशिया बरामद होती हैं, वो उससे पता चलेगा कि ये इस शहर के बारे में इसकी तफसीलात। तब तक कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ अंदाजे और क्यास आ रही ही हम कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में उसके बाद रिलीज़ होने के बाद काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा कि इसकी लोकेशन कुछ समझाइए, तो ये जी लोकेशन कुछ इस तरह से है कि ये जो मैं मौजूद हूँ इस वक्त ये तो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास होता है, तो ये दरिया जो है इस वक्त मेरा रुख इस वक्त जो है वो है ईस्ट की तरफ और ये वेस्ट, ये इसकी वेस्ट की तरफ एक किनारा था दरिया का और ईस्ट की तरफ एक किनारा, ये बहता है नॉर्थ से साउथ इस तरफ। तो ये सारा जी लोकेशन है
और बाकी मैं नक्शों की मदद से, जिस तरह एक्सपर्ट्स ने, इंडिया पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने जो अपने हाइपोथेटिकली मैप्स दिए थे, आइडियाज़ दिए थे कि दरिया सरस्वती किस तरह बहता था, कहाँ से बहता था, उसके आइडियाज़ और उन्होंने अपनी एक थ्योरीज पेश की थी, वो भी मैं मैप्स भी इस वीडियो में ऐड करूँगा और आप देख सकेंगे। ये देख सकते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने विज़िट किया था सरस्वती नदी जो कि अब नहीं बहती, उसके आसार वहाँ पर, उसकी गुजरगाह भी आपको दिखाई थी और उसी के किनारे पर आबाद एक तबाहशुदा शहर भी दिखाया था। और मैंने बताया था कि इसी आसार कदीमा से मुझे जो एक टूटी हुई ईंट मिली है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, माजरत इसलिए कि उस में वीडियो में मैं ठीक से तस्वीर नहीं दे सका या वीडियो उसकी ठीक से नहीं भर शामिल कर सका। तो काफ़ी दोस्तों ने मालूम किया, पूछा कई रबते हुए कि जी ख़ास तौर पे ये था कि जो टूटी हुई ईंट है जिस पर कुछ लिखा हुआ है उसकी सही तस्वीर और वीडियो के लिए मुझे कहा गया। आज हैदराबाद में यहाँ पर बरसात भी है, रोशनी भी कम है, मैंने कोशिश की कि इसकी सही से वीडियो आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप इसको पढ़ भी सकें अगर किसी को पढ़ना आता है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊँ भी कि हो सकता है कैमरा में आप ठीक से ना देख सकते हों, तो मैं साथ ही साथ एहतियात करते हुए, क्योंकि ये काफ़ी जो है ये आप देखेंगे बहुत ही नाजुक इसकी सूरत हाल है, इसकी ये दिन ब दिन इसका जो है वो ईंट है तो ये ख़राब हो रही है, तो ये अब वक्त के साथ साथ ये पढ़ने में मुश्किल भी हो रही है। तो मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता जाऊँ कि ये क्या अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये एक लाइन है सिंपल, जैसे हिंदी में लिखा जाता है, और ऊपर एक लाइन है, उसके बाद लाइक ए जैसे बना हुआ है ये इस तरह का, जैसे कि कोई फाइव उल्टा लिखा हो, उसके बाद ये अलग से एक लाइन है और फिर उसके दरमियान में, और ये सी की तरह। नीचे की तरफ जब आप आएँ तो यहाँ पे जो मुझे, मैंने कुछ हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत के लैंग्वेज को इस इंटरनेट से थोड़ा सा सीखने समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि ये नीचे जो है ये कोई नंबर्स हैं। सो अगर आपको सही से तस्वीर ना आ रही हो तो मैं इसके ऊपर से एहतियात करते हुए, यानी इसे मुफासला रखते हुए आपको ये मार्किंग करके बता रहा हूँ। और ये एक लेटर है जो ऐसा है जिस तरह इंग्लिश में नाइन होता है ना, एक तो ये है। दूसरा ये जो लेटर है ये शायद कैमरा में ठीक से ना आ रहा हो, लेकिन मैं ये इसको मैं बना देता, ये इस तरह है, इट्स लाइक दिस। और इसके अलावा भी जो आप देखेंगे क्लोजली, तो यहाँ पर ये सिंगल लाइंस हैं, और यहाँ से भी ज़ाहिर है ये थोड़ा सा टूट गई है ईंट और ये थोड़ा सा लेटर तो ठीक से, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है, इस तरह और इस तरह। और ये भी एक लेटर है और ये यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद ये दो लाइंस हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये जो दो लाइंस हैं ये सेपरेटर लाइन है, ये सेपरेट कर रही हैं, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, इन सेपरेटर लाइंस के दरमियान कोई नंबर लिखा हुआ है। अब ये हिंदी और या संस्कृत के जो जानने वाले हैं वो बता सकते हैं कि ये क्या नंबर है, क्या तारीख कोई लिखी है, कोई डेट लिखी है, क्या लिखा है, ये वही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको ठीक से इसकी तस्वीर आ जाए और आप पढ़ सकें अगर किसी को पढ़ना आता है। जब ये पहले मुझे, मैंने दरियाफ्त किया था, मुझे मिला था ये, तो उस वक्त इसकी तस्वीर मैंने ले ली थी, वो काफ़ी बेहतर तस्वीर है, काफ़ी विजिबल है, काफ़ी बेहतर कंडीशन में है, तो वो भी मैं तस्वीर भी इसी वीडियो में जो है वो ऐड कर रहा हूँ। शुक्रिया।